हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मोमेंटम से रिलेटेड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आए आपके लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मौजूद है। इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है कि देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, ए बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम हैज ए मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं चलो आपके लिए। ए बॉडी ऑफ मास 25 केजी हैज ए मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, इस बार स्टूडेंट हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, इस बार हमें दिया गया है स्टूडेंट बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए इस बार इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ऑब्जेक्ट का मास तो इस बार भी दिया हुआ है, वही 25 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 25 केजी है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास 25 किलोग्राम है। इसका मोमेंटम इस बार हमें स्टूडेंट दे दिया है, इसका मतलब हमें इस बार ऑलरेडी पी की वैल्यू दे दी है, और वो कितनी दे दी है स्टूडेंट, 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट देखिए, एसआई यूनिट से वैल्यू को पहचानना सीखिए। देखिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है, मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, तो पहचानिए कि ये वैल्यू मोमेंटम है। और हमसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी पूछा गया है स्टूडेंट, इस बार भी हमें निकालना है। आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है, पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, वी नॉट एट, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू विल बी 125, पी इज इक्वल टू 125 एंड व्हाट इज द एम 25 एंड वी इज इक्वल टू, इट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड वी इज इक्वल टू 125/25 एंड द वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी हमारे पास कितना जाएगा स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, आसान सा न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल हम यहां से देखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा शुरू करते हैं अच्छे न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे पास, ये आपके एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एक बार आप देखिए इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। द मास ऑफ ए बॉडी इज द मास ऑफ ए बॉडी इज 64 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द बॉडी 64 किलोग्राम एंड इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू एंड इट्स मोमेंटम इज मान लेता हूं स्टूडेंट 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखिए स्टूडेंट, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि 64 किलोग्राम की है, और 64 किलोग्राम की बॉडी का मोमेंटम हमें बता रखा है, कितना बता रखा है स्टूडेंट, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें पूछा क्या गया है, यहां पर हमसे पूछा गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार मुझसे बच्चों की ये लगभग क्वेरी देखने को मिलती है कि वो
अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को हमें पुट करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस चीज को आप बड़ी इजीली पहचान सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर के डेटा को सबसे पहले लिखिए। जैसे इस न्यूमेरिकल को अगर मैं देखूं तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है जो कि 64 किलोग्राम है। इसके अलावा स्टूडेंट हमें दिया गया है इसका मोमेंटम, तो मोमेंटम इसका मतलब स्टूडेंट हमें पी दिया गया है 2 kg/m². अब स्टूडेंट देखिए हमसे पूछा क्या गया है, क्या हमसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछी गई है। तो हमने अब तक कौन कितने फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट, हमने फॉर्मूले पढ़ लिए p=m×v, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल चेंज इन मोमेंटम का m×v-u, और तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को पढ़ा था p=2mE/√। तो स्टूडेंट देखिए क्या हमें यहां पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, जी नहीं स्टूडेंट, हमें वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्टूडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी ई के हमें इस न्यूमेरिकल में निकालनी है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करनी है p=√(2mE^2). मैंने यही फॉर्मूला क्यों पुट किया स्टूडेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछी है, मोमेंटम गिवन है और मास भी गिवन है। और देखिए स्टूडेंट सिर्फ ये फॉर्मूला इसके अंदर फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मास हमें गिवन है और मोमेंटम हमें गिवन है, तो सीधी ऑब्वियसली बात है कि यही फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा। तो यहाँ पे लगाइए इस फॉर्मूले को और वैल्यू पुट करिए, वैल्यू रखिए मोमेंटम की स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट मैं एक चीज यहाँ से कर सकता हूँ, अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो यहाँ से क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो हमें पता है ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये रूट हटेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, p²=2m×e^2। तो यहाँ से वैल्यू रखिए p की स्टूडेंट, p की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2² = 2 × मास कितना है स्टूडेंट 64 × e^2। व्हाट विल बी द e^2 स्टूडेंट, e^2 हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू रखिए 2² यहाँ पे 4 हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 64 × e^2। तो e^2 यहाँ से स्टूडेंट निकालू तो मैं यहाँ से e^2 क्या आएगा मेरे पास 4/2 × 64। यहाँ से स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट मुझे बताइए, कितने टाइम कैंसिल होगा ये यहाँ से, बड़ा ही आसान है स्टूडेंट। देखिए 2 से यहाँ पे एक बार कैंसिल होगा और यहाँ से करेंगे तो ये 32, 2 से 2, 2 से करेंगे तो 32। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/32 e^2। आप चाहें तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए याद रखिए स्टूडेंट एनर्जी है और एनर्जी की असाइनमेंट होती है हमेशा हमारे पास जूल, और जूल का सिंबल होता है कैपिटल जे। तो हमारे पास यहाँ से ऐसा यूनिट का आंसर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/32 जूल। और याद रखिए स्टूडेंट एक बार फिर से मैं छोटी सी चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम से कोई अगर ऐसा यूनिट शुरू होती है तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल में आता है। भले ही आप न्यूटन को ले लीजिए उसका सिंबल कैपिटल एन होता है, आप जूल को ले लीजिए कैपिटल जी होता है जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है जेम्स प्रोस्पेक्टस फॉर जूल। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट देख लीजिए, जैसे एम्पियर को देख लीजिए, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है। तो ये सारी की सारी ऐसा यूनिट जो कि साइंटिस्ट के नेम से शुरू होती है उनका सिंबल हमेशा पहला लेटर जो आएगा वो कैपिटल में आएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ से एक आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने इस तरीके से, फिर से मैं आपको समझा देना चाहूंगा इसको। देखिए द मास ऑफ ए बॉडी इज 64 किलोग्राम एंड मोमेंटम इज 2 किलोग्राम, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया p=√(2mE^2), यहाँ से मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो p²=2mE^2। वैल्यू पुट करिए, पी की वैल्यू 2² यहाँ से देखिए, मोमेंटम की वैल्यू 2 गिवन थी तो मैंने यहाँ से 2 वैल्यू को यहाँ रखा, 2² हो गया 4 मेरे पास = 2 × m की वैल्यू। देखिए देखिए स्टूडेंट 64 × e^2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए मैंने e^2 एज इट इज, क्योंकि निकालना है हमें, तो यहाँ से e^2 निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या जाएगा e^4/2×64। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगा तो 2 से 1 × 4 जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे स्टूडेंट 32 जूल। तो ये आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूरा हुआ आपका। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूं, आप प्लीज घर से ट्राई करिएगा, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, और मुझे जरूर इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये लास्ट न्यूमेरिकल आपके लिए,
स्टूडेंट न्यूमेरिकल देखिए बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे दें। स्टूडेंट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ टू बॉडीज, द मास ऑफ टू बॉडीज आर 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम respectively and their kinetic energy are 1 joule and 2 joule respectively the ratio of their momentum is given by। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए कि एक बॉडी हमें बता रहे इस क्वेश्चन में द मास ऑफ द टू बॉडीज आर 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली, देयर काइनेटिक एनर्जी आर 1 जूल एंड 2 जूल रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज गिवन बाय। देखिए दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी के हमें मास बता रखे हैं, एक बॉडी 1 किलोग्राम की है दूसरी 2 किलोग्राम की है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है स्टूडेंट इस बात कितनी दे रखी है, एक बॉडी की दे रखी है 1 जूल और दूसरी की दे रखी है 2 जूल, और हमसे पूछा है कि उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। मैं आपको इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं, आप प्लीज इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन सी 4:1, डी इज योर 1:2। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा है 1:4, तीसरा है 4:1 और डी ऑप्शन आपका 1:2। तो प्लीज आपको आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।